सविता सिंह। बेगूसराय लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने शनिवार को नामांकन कर दिया है। इस दौरान भाजपा और जेडीयू के तमाम बड़े नेता बेगूसराय पहुंचे। नामांकन के दौरान जुटी भीड़ को देखकर एनडीए के नेता गदगद थे। भीड़ इस कदर थी कि पुलिस के लिए उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि शुक्रवार को जिले के कोरिया में हुई सड़क दुर्घटना से गिरिराज सिंह ने ढोल नगाड़े का कार्यक्रम रद्द कर दिया। भीड़ के बीच गिरिराज सिंह ने बेगूसराय से अपना नामांकन कर दिया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गिरिराज सिंह ने नामांकन किया। इस दौरान जुटी भीड़ ने महागठबंधन और सीपीआई की नींद उड़ा दी। भीड़ इस कदर बेकाबू थी कि खुद गिरिराज सिंह के लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। नामांकन में जुटी भीड़ को देख एनडीए के नेता गदगद है। बड़ी बात तो यह है कि गिरिराज सिंह के नामांकन में डिप्टी सीएम सुशील मोदी, जेडीयू के सीनियर लीडर आरसीपी सिंह, सांसद राकेश सिन्हा और नित्यानंद राय समेत कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कम्युनिस्ट के विकृत व्यवस्थाओं को बंगाल से लेकर बिहार तक गलत ठहराया। साथ ही बेगूसराय के सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ लोग हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, साथ ही भारत तेरे टुकड़े होंगे की भी बात करते हैं। ऐसे में राष्ट्रवादी होने का अवसर आप लोगों पर निर्भर करता है। मेरा मानना है कि देश के अंदर आज दो ही उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार का नाम है एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा उम्मीदवार है जो महागठबंधन, महामिलावट, महाठगबंधन, जिसमें कहीं एक दूसरे को कोई स्वीकारता नहीं। और पूरे देश में एनडीए के उम्मीदवार में नरेंद्र मोदी हैं, प्रतीक के रूप में बेगूसराय जैसे मैं हूँ उसी तरह से देश के अन्य भाग में हैं। और मेरा मानना है दूसरा कि देश को आज ज़रूरत है एक मजबूत प्रधानमंत्री, और लड़ाई इसी के बीच है, मजबूर और मजबूत। अच्छा, गिरिराज जी आज 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 हिंदू नववर्ष का पहला दिन है और आज भाजपा का स्थापना दिवस भी है। आज के दिन से आज का दिन व्यक्तिगत मेरे लिए, देश के लिए सौभाग्यशाली है कि वर्ष प्रतिपदा का प्रथम दिन है, हमारा स्थापना दिवस है बीजेपी का। तीसरा, आज माँ दुर्गा जो शक्ति दायिनी है उनका प्रथम दिन नवरात्र का।